हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। आज के इस वीडियो में बात करेंगे नंदवंश की और धनानंद की। दोस्तों, नंदवंश की बात करें तो नंदवंश की स्थापना हुई थी 344 ईसा पूर्व। दोस्तों, इसके संस्थापक माने जाते हैं महापद्मानंद। दोस्तों, महापद्मानंद को उग्रसेन के नाम से भी जाना जाता है, जिन्होंने नंदवंश की स्थापना की थी। दोस्तों, नंदवंश से पहले उस जगह पर जहाँ मगध को राजधानी बना रखा था नंदवंश ने, उस जगह पर पहले नंदवंश से पहले राज हुआ करता था। शिशुनाग वंश का राज था वहां पे। उसके बाद नंद ने महापद्मानंद ने अपने नंद वंश की स्थापना की। दोस्तों, ऐसा माना जाता है महापद्मानंद के बारे में कि उनको उग्रसेन के नाम से भी जाना जाता है, और ऐसा माना जाता है कि वे क्षत्रियो के खास दुश्मन थे। दोस्तों, उन्होंने शिशुनाग वंश को हराने के लिए पहले उनकी पूरी तहकीकात की, पूरे उनके गुप्त जानकारियां एकत्रित की, नीति जानी उनकी कि क्या नीति से वे युद्ध लड़ते हैं। उसके बाद संघर्ष करके वह उन्हें हरा पाए और उन्होंने स्थापना की अपने नंदवंश की। दोस्तों, बात करें महापद्मानंद की। दोस्तों, महापद्मानंद एक बहुत ही शक्तिशाली सम्राट बन चुके थे। उन्होंने काफी ज्यादा शक्ति बटोर ली थी सम्राट बनने के बाद मगध के। दोस्तों, उन्होंने कई बड़े बड़े क्षेत्र जीत लिए थे। हिमालय से नर्मदा तक उन्होंने क्षेत्र को जीता और मगध के अंदर मिला लिया। दोस्तों, भारत के मध्य भाग तक भी उन्होंने अपना काफी ज्यादा वर्चस्व लहराया। और दोस्तों, उन्हें क्षत्रियों का संहारक भी कहा जाने लगा, क्योंकि वे क्षत्रियो राजाओं से काफी ज्यादा निंदा करते थे, उनको पसंद नहीं करते थे। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि नंद स्वयं एक नापित माने जाते थे, यानी वे नाई जाति से बिलोंग करते थे। दोस्तों, ये बात तो रही नंद महापद्मानंद की। दोस्तों, महापद्मानंद के 10 पुत्र थे, जिनमें अंतिम सम्राट था धनानंद, जो कि आप अभी टीवी सीरियल्स वगैरह में धनानंद को देख रहे होंगे। दोस्तों, धनानंद की बात करें तो ऐसा माना जाता है कि धनानंद बहुत ही ज्यादा क्रूर राजा माना जाता था। ग्रंथों और पुस्तकों के आधार पर ये कहा जाता है कि वह धन को काफी प्रिय मानता था। उसने का जीवन का एक ही लक्ष्य बनाया था राजा बनने के बाद, कि उसे धन एकत्रित करना है, और वह जिस भी राज्य पर हमला करता उसे धन लेकर उसे फिर से जीवनदान देता था, और इस प्रकार वह धन को एकत्रित करना चाहता था। दोस्तों, यही लालसा के कारण उसने कुछ ऐसे कार्यक्रम चला दिए अग्नि मगध के अंदर ही, जिससे लोगों प्रजा में काफी ज्यादा आक्रोश फैल गया। दोस्तों, उसने अंतिम संस्कार के लिए उपयोग में आने वाली लकड़ी तक पर कर लगा दिया, जिसके कारण प्रजा में असंतोष फैला। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि यूनानी लेखक ऐसा भी कहते हैं, इसका नाम धनानंद इसलिए पड़ा क्योंकि इसको धन बहुत ही ज्यादा प्रिय था। और वैसे इसका एक और नाम अग्रमस्क भी माना जाता है। दोस्तों, इसे अग्रमस्क के नाम से भी यूनानी लेखक लिखते हैं। दोस्तों, जिस समय धनानंद राजा था मगध का, उस समय उनकी सेना की संख्या थी 2 लाख। तो उनके पास पैदल सैनिक थे, 20,000 घुड़सवार जो कि घोड़ों पर सवार होते थे, और 2,000 रथ और 3,000 हाथी थे इनके पास, जिसके कारण इनकी सेना काफी ज्यादा बड़ी थी। और ग्रीक सेना ने मगध की सेना यानी धनानंद की सेना के सामने लड़ने से भी एक बार इनकार कर दिया था। दोस्तों, उसके बाद बात करें दोस्तों, तो धनानंद बहुत ही ज्यादा अत्याचारी राजा था ऐसा माना जाता है, लेकिन टोटल ओवरऑल नंद वंश का कोई ज्यादा विस्तार नहीं मिलता है हिस्ट्री के अंदर। और ऐसा माना जाता है दोस्तों कि मुद्रा राक्षस ने एक पुस्तक लिखी थी। उस समय मुद्रा राक्षस हुआ करते थे, काफी ज्यादा वे ज्ञानी माने जाते थे उस समय के। दोस्तों, उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है कि उन्होंने चाणक्य के नाम के विद्वान, यानी चाणक्य को आप जानते ही होंगे, चाणक्य का अपमान किया था। उसके बाद चाणक्य ने शपथ ली थी कि वे नंदवंश का विनाश कर देंगे और उसकी जगह नए सम्राट को बैठाएंगे। और दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि 324 ईसा पूर्व चाणक्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता के साथ। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता की, और चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने मिलकर नंदों को हरा दिया और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। तो दोस्तों, ये थी नंदवंश की पूरी स्टोरी, की नंदवंश कहाँ से स्टार्ट हुआ और अंतिम सम्राट तक। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि और भी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगी। दोस्तों, जब तक के लिए धन्यवाद।